बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। हम GW बेसिक की स्टेटमेंट रीड कर रहे थे। आज की जो हमारी स्टेटमेंट है वो टॉपिक नंबर 2.15 में गिवन है, रीस्टोर स्टेटमेंट। ये आप अपने बुक्स का पेज नंबर 34 ओपन कर लें। रीस्टोर स्टेटमेंट का बताने से पहले अगर हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, उधर हमने रीड स्टेटमेंट एंड डेटा स्टेटमेंट पढ़ी थी, ठीक है। अब डेटा स्टेटमेंट क्या होती थी कि कोई भी जो है ना, फॉर एग्जांपल डेटा स्टेटमेंट है, उसमें कोई भी डेटा होता था जिसको हम रीड स्टेटमेंट के थ्रू रीड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोग्राम के अंदर आप एक जगह पे एक लाइन पे वो डेटा स्टेटमेंट यूज कर चुके हो, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर 2-3 लाइंस के बाद फिर आप उसी डेटा स्टेटमेंट को यूज करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे कि उसको बजाय इसके कि आप रीटाइप करो, ठीक है, आप रीस्टोर की स्टेटमेंट यूज करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से डेटा स्टेटमेंट को उठा के तो यूज कर देगा, ठीक है। पर्पस पढ़ लेते हैं इसका। दिस स्टेटमेंट कॉजेस द डेटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज्ड इफ इट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय द रीड स्टेटमेंट। यानी अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी एक डेटा स्टेटमेंट को यूज कर चुके हो, आप अगर उसको रीयूज करना चाह रहे हो तो आप रीस्टोर की स्टेटमेंट यूज करोगे, ठीक है। सेंटेक्स है इसका रीस्टोर लाइन नंबर, रीस्टोर की आप वर्ड यूज करोगे और नेक्स्ट लाइन नंबर यूज करोगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में देखते हैं कि लाइन नंबर क्या होता है। The line number specifies the line number of a data statement which has to be read again. ठीक है, यानी for example अगर आप line 10 पे पहले data statement use कर चुके हो और आगे line 60 पे जाके आप उसको again use करना चाह रहे हो, तो line 60 पे आप restore की statement दोगे, ठीक है, और वहाँ पे line number कौन सा दोगे, 10 दोगे, क्योंकि आप 10 पे जो है ना already data statement use कर चुके हो। The next read statement reads the first item in the specified data statement. We can emit line number. If so, the next read statement reads the first item in the first data statement. अगर आप line number लगाना भूल जाते हो, तो आपने last time जो data statement use की थी, वो आपकी reuse हो जाएगी, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे example में देखो, यहाँ पे इसने read statement use की, next restore use कर दी, उसके बाद again इसने read statement use की, then print अगेन से इसने प्रिंट स्टेटमेंट यूज की। अब अगर हम रीस्टोर स्टेटमेंट ना करते, यानी जस्ट हम रीड स्टेटमेंट यहाँ पे भी यूज करते और अगली लाइन में भी रीड स्टेटमेंट यूज करते, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, देखो ये 10, 20, 30, ये किसका रिजल्ट है, ये ABC का रिजल्ट आ रहा है। फर्स्ट रीड स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आ रहा है, ABC, और उसमें देखो यहाँ पे डेटा उसने क्या रीड किया, 10, 20, 30, ये फर्स्ट डेटा स्टेटमेंट को रीड कर रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट जो रीड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट डेटा स्टेटमेंट को रीड कर रही है। अब सेकंड रीड स्टेटमेंट ये है ना XYZ, अब सेकंड रीड स्टेटमेंट को सेकंड डेटा स्टेटमेंट को रीड करना चाहिए, यानी 40, 50, 60 आना चाहिए, लेकिन सेकेंड रीड स्टेटमेंट से पहले क्योंकि हमने रीस्टोर स्टेटमेंट यूज कर ली है, ठीक है, इसलिए क्या होगा कि इस ये जो रीड स्टेटमेंट है ये 40, 50, 60 रीड नहीं करेगी, बल्कि 10, 20, 30 रीड करेगी। यहाँ पे अगर आप देखो ना, रिजल्ट आपका दोनों बार 10, 20, 30, 10, 20, 30 आ रहा है, यानी आपकी जो सेकंड रीड स्टेटमेंट है वो सेकंड डेटा स्टेटमेंट को रीड नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस नोट में देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट द सेकंड डेटा स्टेटमेंट इज नॉट रीड बाय द सेकंड रीड स्टेटमेंट, रादर रीस्टोर सेट द फर्स्ट डेटा स्टेटमेंट टू बी रीड बाय द नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट। यानी अब इसने अगर फर्स्ट को किया तो सेकंड ने सेकंड को करना था, लेकिन चूंकि हमने रीड स्टेटमेंट यूज कर रीस्टोर स्टेटमेंट यूज कर दी है, इसलिए इसने भी इस फर्स्ट को इस रीड किया है, इसको इसने रीड नहीं किया, ठीक है। तो इट मीन्स के अगर आप डेटा स्टेटमेंट को पहले यूज कर चुके हो और अगर आप उसको रीयूज करना चाह रहे हो, तो आप रीस्टोर की स्टेटमेंट दोगे और वो आपकी रीयूज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, और उसके दौरान अगर आप ने यूजर से कोई इनपुट लेनी है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने प्रोग्राम बनाया 2 नंबर्स को ऐड करने का, अब
तो वो प्रोग्राम रन कर रहा है, आपने तो यूजर से नंबर्स लेने हैं ना, यूजर जिन दो नंबर्स को ऐड करवाना चाह रहा है वो उसने इनपुट करनी है, तो वो इनपुट लेने के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेक्स इसका देख लेते हैं। ये है जी आपके पास प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल, ये हम देख लेते हैं कि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग क्या है, देन आपको इसका सेंटेक्स जो है मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन देखते हैं इसकी। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इज द मैसेज दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू असिस्ट द यूजर टू इनपुट करेक्ट डेटा। अब देखो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग क्या होती है, लेट्स सपोज आपने अगर यूजर से दो नंबर्स लेने हैं तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक है, यानी आपका प्रोग्राम रन करे और इस तरह से कोई जो है ना यूज हो, स्टेटमेंट यूज हो। ठीक है, स्टेटमेंट यूज हो कि जो है ना आपका ये इनपुट चाहिए आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन शो हो, यूजर को पता चल जाए कि आप मैंने इनपुट करनी है, तो वो 20 और 30 इनपुट कर दे जिस नंबर्स को उसने ऐड करवाना है। लेकिन इससे अच्छा जो मेथड है वो ये है कि जब आपके यूजर के पास स्क्रीन ओपन हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आए कि एंटर फर्स्ट नंबर, यानी यूजर को पता चलना चाहिए कि अब मैंने यहाँ पे क्या एंटर करना है। ठीक है, और यहाँ पे आगे आप लिखते हैं इंटर सेकेंड नंबर, यानी एक स्टेटमेंट यूजर के सामने शो हो ताकि यूजर को पता चले कि अब मैंने क्या करना है। तो ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग होती है, ये एक मैसेज होता है जो यूजर को ये असिस्ट करता है कि अब मैंने क्या इनपुट करना है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के अंदर आप वो मैसेज राइट करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ये है जी एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये यूजर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने क्या जो है ना एंटर करना है, क्या इनपुट करना है। सही है, नेक्स्ट है वी कैन स्पेसिफाई मोर देन वन वेरिएबल्स विद अ सिंगल इनपुट स्टेटमेंट ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द वैल्यूज एंटर बाय द यूजर आर असाइंड टू द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर लिस्टेड। यानी अब देखो यहाँ पे इसने जो दिया है, इसने जो एग्जांपल दी है, ठीक है, उसमें अब ये क्या क्या इनपुट कर रहा है, रेडियस और क्या इनपुट कर रहा है, हमें रेडियस ही चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज अगर कोई और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, अगर आपने स्पीड फाइंड करनी हो या डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो वी क्रॉस टी होता है ना। अब आपको वी भी एज एन इनपुट चाहिए और टी भी एज एन इनपुट चाहिए, दो चीजें इनपुट चाहिए ना, तो आप उनको सेपरेट लाइन में भी कर सकते हो कि इंटर स्पीड और नेक्स्ट लाइन पे इंटर टाइम, और आप इनको सेम लाइन पे भी कर सकते हो। अगर आप सेम लाइन पे करोगे तो यहाँ पे देखो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल, यानी अगर आप दो वेरिएबल्स को एक लिस्ट एक स्टेटमेंट में करना चाह रहे हो तो आप उनको कॉमा के साथ सेपरेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस यूजर ने इनपुट कर दिया, नेक्स्ट जो है आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे और उसके बाद प्रिंट कर दोगे तो आपके पास सर्कमफेरियंस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं व्हेन एन इनपुट स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम हॉल्ट्स। यानी जब आपके पास प्रोग्राम रन कर रहा होता है और वहां पे आपके पास इनपुट स्टेटमेंट कोई आ जाती है तो आपका प्रोग्राम हॉल्ट कर जाता है, इट मींस कि रुक जाता है। ठीक है, प्रोग्राम रुक जाता है, तब तक रुक जाता है जब तक यूजर जो है वो इनपुट एंटर नहीं करता। जैसे ही यूजर इनपुट करता जाएगा आपका प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड द यूजर टाइप इन द रिक्वेस्टेड डेटा strings that input to an input statement needs not to be surrounded by quotation marks unless they contain commas at length. yani jab bhi aap string jo hai na karna cha rahe ho usko is input mein dena cha rahe ho to zaruri nahi hai ki aap jo hai na usko karo double quotation marks mein likho. वैसे तो आपको पता है ना कि string जब भी हम write करते हैं उसको double quotation marks में लिखते हैं, लेकिन जब अगर आप चाहते हो कि इनपुट आप कह रहे हो तो उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है इनपुट और रिस्टोर स्टेटमेंट एंड हो जाती है। ठीक है, आप इसको स्टडी करिएगा इंटरप्रिटेशन इसकी ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।